then we will start the map class. Part wise, first we will see the map rules. Let's see what you have to main see the maps in the when the map came in exam. Matlab you have to write what. Let's see. How you have to mark, what you have to mark, and which type and which colors you have. Map rules. Okay. First you have to read question. Carefully means like you have given reverse in exam. This is the question. Okay, first part reverse. A, Amazon. B, Nike. First you recognize in which area this is. This is in South America. Learn this type. Which river is where? This is in South America. This is in Africa. Learn this type. So in exam which this come like this, Amazon and Nile. Mark the Amazon and Nile. Then you should remember where this is and where is the area. So you can mark it properly. Second, we have to learn that marking the area and shading the area should be confidently. Marking and shading the area. Like this area is some river. Understand, this area is some river. Then you have to shade it properly like this. Fully cover with the color. Okay. So that the teacher could understand that you have marked some river properly. You have to mark the properly. I have told half. Next, we should see that river should be marked with blue color. This is important. Blue color, river. Fourth, mountain should be marked with brown mountain. These are important. You have to see which color and what type is important. And next we will see the arrow should be perfect. The arrow should be perfect. Matlab jo hum arrow करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए. जैसे कि ये फिर से मैं कुछ बना रही हूँ एरिया. ये एरिया यहाँ से कोई रिवर जा रहा है. अमेजोन मान लेते हैं. अमेजोन ही फिर से ले लिया मैंने. आप ऐसे एरो बनाइए. ब्लैक पेन से ही एरो ज़रूरी है. ऐसे इसको पूरा ऐसे करिए, प्रॉपरली करिएगा. ऐसे कर लीजिए. एक मिनट मैं फिर से बताती हूँ. यहाँ से रिवर जा रहा है और ये बीच वाला ही अमेजोन है. आपको बीच वाला बताना है. आप ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ से एक लाइन लेकर जाइए, यहाँ एरो बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए अमेजोन. प्रॉपरली एरो मार्क होना चाहिए. और सिक्स्थ पॉइंट है, द एरो शुड बी मार्क विद ब्लैक कलर. द एरो शुड मतलब वो ब्लैक ही कलर से होना चाहिए. ऐसी बात है. ये बताया मैंने, ये बताया, ये मेन पॉइंट्स बताए कि एरो भी कैसे मार्क करते हैं. एरो हमेशा
ऐसे ही होना चाहिए, जहाँ रिवर है, जैसे ये रिवर है, ये मैं बता रही हूँ, ये रिवर है, आपने उसे ले लिया, फिर ब्लैक कलर का जो पेन आता है आपको उसी से मार्क करना है, और एरिया शब्द भी शेड प्रॉपरली होना चाहिए, शेडेड। प्रॉपरली होना चाहिए। यही थे कुछ 6 मैप के रूल। और एक बात, लास्ट मैप का रूल एक बार देख लीजिए, मैं रब कर रही हूँ। एक मेन इम्पोर्टेंट, चलिए देखते हैं, 7th रूल जो है मेन, इसके लिए आपको हमेशा मार्क कटेगा, ये जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, वरना इसके लिए आपको हमेशा मार्क्स कट होगा, वो चीज़ है। देखिए मैं दूसरे कलर से बता दे रही हूँ, जैसे आपने लिख दिया, जैसे कोई रिवर ले लेते, फिर से रिवर ले लिया आपने, लिख दिया ऐसे, ये रिवर लिख दिया, कैसे लिखा, स्मॉल लेटर में पहला का कैपिटल लिख दिया, बीच में फिर स्मॉल लिख दिया, ये इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, चाहे वो एक मार्क्स का आएगा आपको पूरा एक मार्क्स चला जाए, वो चीज़ गलत है। देयर शुड बी ऑलवेज ब्लॉक लेटर ले लीजिए, या कैपिटल लेटर ले लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स किस में आएंगे ये भी देख लीजिए, ये बड़े अक्षरों में ये लिखा होना चाहिए। फिर दूसरा भी ले लेते हैं, नाइन ले लेते हैं, यह सही है, यह सही है, अगर आप नाइन को भी ऐसे ही लिखेंगे, पहला कैपिटल फिर छोटा, तो ये गलत, इसमें आपका मार्क्स कटेगा, ये मेन रूल है, आप इसे याद रखेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, और शेडेड एरिया भी प्रॉपरली होना चाहिए कि वो ठीक रहे। और एक और मेन रूल, इस बार मैं अच्छे से बता रही हूँ, ये एरिया आपने ले लिया, यहाँ पे आपको कोई रिवर, मतलब प्लेट्यू ले लीजिए, या रिवर ले लीजिए, या ओशियन ले लीजिए, या लेक ले लीजिए, इसे पूरी तरह से शेड करना है, प्रॉपरली पूरी तरह से इसे भर देना है, एक एरिया भी खाली नहीं छोड़ना है, अगर आपने छोड़ा तो उसी में आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने जैसे ये ले लीजिए, इसके अंदर ऐसे ऐसे डैश 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 डैश, ये चीज़ गलत है, यू हैव टू फिल प्रॉपरली, ये गलत है, ये सही। मैं आपको हर एक पार्ट्स अलग अलग करके बताऊंगी। देखिए जैसे ये ग्रीनलैंड है, ये रशिया है, चाइना, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में साउथ अमेरिका के बारे में, सेकेंड पार्ट में अफ्रीका के बारे में, और थर्ड पार्ट में बाकी एरिया को कम्प्लीट कर लेंगे। मैप के रूल पहले आप अच्छे से याद रख लेंगे तो हम बाकी सब भी काम अच्छे से कर पाएंगे। मेन रूल जो था ये ही दोनों था, कैपिटल लेटर ये सही है, ये सही है, वैसे ही करना है। और गाइस आप अगर ये चीज़ें याद रख लेंगे तो आपके मार्क्स सही आएंगे एग्ज़ाम में, ये जो दो मेन रूल बताएं, और बाकी जो थे वो भी मेन थे पर आप ठीक से याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और एरिया वाइज उन्हें लर्न करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एरिया वाइज बताऊँगी तो आप समझ सकते हैं उस बात से, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।